causes of bipolar disorder social factors so now we will discuss about those social factors which can cause the bipolar disorder ab kis tarah jo hai wo different social factors jo hain wo bipolar ko jo hai develop kar sakte hain isme jo data maujood hai wo batata hai ki ऐसी कंट्रीज जो कि higher socio-economic countries में आती हैं जहाँ पर लोगों की इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बेटर है वहाँ पर ऐसे लोग जिनका जो सोशो इकनॉमिक स्टेटस है वो लो होता है वहाँ पर ड्यू टू तो पावर्टी ड्यू टू हार्डशिप ड्यू टू स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि एडोल्सन जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर डेवलप कर लें क्यों क्योंकि लो सोशो इकनॉमिक स्टेटस की वजह से जो लाइफ है वो स्ट्रेसफुल हो जाएगी बहुत से मटीरियलिस्टिक गेंस जो हैं वो बच्चे गेन नहीं कर सकेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनको कोई एकेडमिक प्रॉब्लम है तो डेफ़िनेटली वो उसको ओवरकम करने के लिए रिसोर्स को प्रॉपरली अप्रोच नहीं कर सकेंगे इसी तरह अगर उनको दे आर फ्राम द रेशियल माइनॉरिटी और दे आर फ्राम द एथनिक माइनॉरिटी तो जो उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा या जो डिस्क्रिमिनेशन उनको फ़ेस करना पड़ेगी और इफ़ दे आर आल्सो फ्रॉम द लोअर सोशो इकनॉमिक स्टेटस तो उसकी वजह से जो उनको प्रॉब्लम होगा आ, वो हम ये कह सकते हैं कि वो उसमें कॉज कर सकता है पापुलर डिसऑर्डर देन ऐसे uh, इंडिविजुअल्स जिनकी सेपरेशन हुई होती है डाइवोस हुई होती है या पार्टनर की डेथ हुई होती है नो no डाउट उनके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं क्यों क्योंकि मीनिया जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ ओवरकमिंग योर लो सेल्फ इस्टीम ठीक है तो जैसे ही ट्रॉमास होते हैं जैसे ही प्रॉब्लम्स होती हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है जो सेल्फ़ इस्टीम है, है वो शेक्ड होता है तो उसके रिस्पॉन्स के अंदर उसको ओवरकम करने के लिए सर्टन टाइम लोग जो हैं वो हाइपोमेनिया या मीनिया की जो फीचर्स हैं वो भी रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं जैसे हम कहते हैं कि इंफ्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स को सर्टन टाइम लोग जो है वो ओवरकम करते हैं किसके थ्रू थ्रू मैनिक एपिसोड अब आ, ये तो हम बात हैं उस इंडिविजुअल की जिसके साथ ये हो रहा है इट माइट बी पॉसिबल कि ऐसे बच्चे जो कि इनके ऑफ स्प्रिंग्स हैं यानी सिंगल पेरेंट्स हैं उनके या सेपरेटेड मदर्स uh, हैं या डाइवोसड uh, हैं तो उनके जो ऑफ uh, स्प्रिंग्स हैं डेफिनेटली चूंकि वो भी उस पूरे ट्रॉमा को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो उस पूरे ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करने की वजह से इट मे पॉसिबल कि जो वो हैं अपने अंदर बायपोलर डिसऑर्डर को डिवेलप कर लें तो दिस माइट बी दोशल रीजन विच कैन डेवलप दिस सिम्टम्स दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट स्टेटस दे हैव बीन फेस द डिस्क्रिमिनेशन सोशली ठीक है तो वो जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है जो वो फेस करते हैं कल्चरली uh, तो वहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि बायपोलर डिसऑर्डर होने के चांसिस ज़्यादा हैं थैंक यू